जैन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नौकरी प्रॉब्लम पे। जो भी डिफेंस के रिगार्डिंग जॉब में जाना चाहता है, तो उसमें आप लोग जानते हैं कि मेडिकल में ये चेक होता है और ये प्रॉब्लम जिसको रहती है उसको मेडिकली अनफिट कर देते हैं। तो बात करते हैं होती क्या एक्चुअली में, कई लोगों को डाउट है एक्चुअली में होता क्या ये डिफरेंट। देखते हैं ये जो फर्स्ट इमेज देख रहे हैं आप लोग, जो नौकरी की प्रॉब्लम है एक्चुअली में, ठीक है। एक फर्स्ट इमेज, सेकेंड एंड थर्ड इमेज, जो फर्स्ट और थर्ड इमेज आप देख रहे हैं ये आपकी नौकरी की प्रॉब्लम है, ठीक है। जिसका पैर का जो नीचे का जो खुला हुआ भाग है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और जिसमें बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप रहता है इसको भी नौकनी बोलते हैं, ठीक है। जो सेंटर वाला पोर्शन है वो नौकनी नहीं है, वो फिट है पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। नौकनी में ऐसा रहता है, जो लोग काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी मोटे टाइप रहते हैं ना, तो उन लोगों की जांग काफ़ी भरी रहती है, तो कभी कभी क्या होता है उनके घुटने चिपकते हैं, है ना। बट वो लोग जो सेंटर वाले डायग्राम को फॉलो करते हैं उनका पैर इस टाइप में रहता है, बट उनकी जांग भरी होने के कारण उनके घुटने चिपकते हैं, तो उनको लगता है उनको नौकनी की प्रॉब्लम है, बट वो नौकनी की प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग टेंशन ना ले, वो लोग मेडिकली फिट हैं, ठीक है फ्रेंड्स, है ना। कई लोगों की जांग मोटी रहती है तो जांग चिपकती है, साथ में उनका घुटना भी चिपकता है, तो लोग उसको नाम देते हैं कि नौकनी प्रॉब्लम, बट वो नौकनी प्रॉब्लम नहीं है। नौकनी में होता क्या है, घुटना चिपकता है और नीचे का एंगल काफ़ी खुल जाता है, ठीक है, नीचे का पैर काफ़ी खुल जाता है, जो फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं, तो उसको नौकनी की प्रॉब्लम कहते हैं ना। क्योंकि नौकनी की प्रॉब्लम से इसलिए डिफेंस में मना करते हैं कि जब आप दौड़ेंगे तो जब घुटने टकरा जाएंगे और आप लोग गिर सकते हैं, इसके कारण जो डिफेंस का मेडिकल होता है, चाहे पैरामिलिट्री हो, पुलिस हो, है ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स हो, तो उसको अनफिट कर देते हैं। तो जिसका काफ़ी चिपकता हो थोड़ा, तो उसका मैं बता देता हूँ कि कुछ एक्सरसाइज हैं इसकी, तो आप देख लीजिए, ठीक फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, ये नौकनी जब होता था उसके बाद का ये डायग्राम है, मतलब डायग्राम नहीं, ये इमेज है, उसको एडिटिंग कर दी मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। नौकनी के बाद जो कुछ एक्सरसाइज थी उस करने के बाद ऐसा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इस समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसमें देखिए, ये भी मैंने एडिट किया हुआ इमेज को। कई कई मेडिकल में क्या होता है, पैर कहते हैं नीचे से खुलवाते हैं, ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हैं, पैर खुलवाने के बाद भी घुटना नहीं चिपक रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, जब नॉर्मल भी खड़े होते थे तो चिपकता था, ठीक है। ये किसी का पैर नहीं, मेरा ही पैर है ना, ये मैंने अपने ऊपर ही किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप बोलो कि मैं मन से बता रहा हूँ, मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा ही पैर है ना, मैंने इमेज लिया, उसको एडिट किया हुआ है। क्या होता था, पहले चिपकता था, मैंने भी एक्सरसाइज करी, वही बताता हूँ मैं आपको, है ना। अब ऐसा पोजीशन है मेरा कि आप चाहे पैर फैला लो चाहे वो कर लो, नहीं मुझे फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रहा है, ये कैजुअली है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, तो एक पहले तो नॉर्मल एक्सरसाइज है ये, बटरफ्लाई जिसको आप जानते हैं, जो बाबा रामदेव बताते हैं, बटरफ्लाई जो एक्सरसाइज होती है उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा ये आप डेली सुबह शाम करिए। एक होता है आपकी बैठक, है ना, बैठक एक्सरसाइज होती है, आप वो कर सकते हैं, और जो उसकी मेन एक्सरसाइज है वो मैं बताता हूँ, ये मैंने मेरी इमेज ली हुई है, देखिए। जब भी आप सोएं तो आप वहाँ नीचे से पैर बांध लें और बीच में बॉटल फंसा लें, बॉटल नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा चिपकता है, तो आप पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि रात को ऐसे ही पैर बांध के बीच में इसको फंसा के रात को सोएं आप, तो उससे क्या होगा कि गैप थोड़ा बन जाएगा, थोड़ा भी गैप बनता है तो मे बी मेडिकल में फिट हो जाएँ, ठीक है। आप जैसे पढ़ रहे हैं तो आप पैर सीधा कर लीजिए, बॉटल बीच में फंसा लीजिए, नीचे फिर पैर बांध लीजिए कि खुले ना, क्योंकि पैर खुल जाता है, बिना उसको बांधे रहेगा नहीं, तो रस्सी से या किसी से भी आप उसको बांध लीजिए और बीच में बॉटल फंसा लीजिए प्लास्टिक की, है ना। और रात को सो रहे हैं तो आप ऐसे ही बांध के बीच में पिलो फंसा लीजिए। मैं जानता हूँ कि बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन होता है, कम से कम नींद ही नहीं आती है ना, 8-10 दिन नींद नहीं आएगी, देन उसके बाद आपकी आदत हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। बट अगर आपको डिफेंस में जॉब करना है, डिफेंस में जाना है, तो थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी पेन हुआ था मुझे भी इनिशियली, फिर उसके बाद आदत पड़ गई, देन 3-4 महीने में तो मेरा गैप हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत सटीक है, इससे डेफिनेटली आपको मिलेगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो तो खैर ठीक नहीं होगा, बट जिनको माइन्यूट सा है, चिपकता नहीं है, थोड़ा पैर ठीक है, तो उनका खैर दूर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक हो जाएगा, बट काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने खुद किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको देख लीजिए, बस पैर बांधना है वहाँ से, वहाँ टाइट कर लीजिएगा, बीच में बॉटल फंसा लीजिए या पिलो, और रात को सोइए, पेन होगा लेकिन सहना थोड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ दिनों बाद आपको, 1 महीने बाद आपको खुद असर दिख जाएगा कि थोड़ा गैप बन रहा है ना, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, दौड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद।